नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक चालू करेंगे, उसका नाम है एक-एक नियम। एक-एक नियम क्या है और वो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसका, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड याद करके जाते हैं, फिर वहां पे भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस बताऊंगा इससे, जिससे कि आप पूरी तरह से, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसीलिए और उपयोगी है क्योंकि अगर आप एक एक नियम अच्छी तरह से जानते हैं तो आप कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चन, धारा और नौ से रिलेटेड क्वेश्चन, पाइप एवं टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक नियम। यूनिटरी मेथड या लॉ भी कर सकते हैं, यूनिटरी लॉ। ठीक है दोस्तों, अब ये एक एक नियम क्या है और ये क्यों जरूरी है। एक एक नियम का मतलब होता है कि इकाई का मान ज्ञात करना, यानी कि एक का मान ज्ञात करना। और अगर हम एक का मान ज्ञात कर लेते हैं किसी भी चीज का, तो फिर जितने क्वेश्चन जितने वस्तुओं के लिए पूछा जाता है उतनी वस्तु के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको कह दिया जाए कि पांच पेनों का मूल्य 10 रुपए है, तो एक पेनों का मूल्य कितने हो जाएंगे, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 2 रुपए। लेकिन अगर फिर पूछा जाए कि 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक, क्योंकि एक पेनों का आपने निकाल चुका है 2 रुपए, इसीलिए आप उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो 6 रुपए। तो ये दिखने में सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, उसका मैं कुछ रूल्स पहले बताऊंगा, उसके बाद हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसका रूल्स भी बताऊंगा, और इसके बाद आपको ये बहुत आपको फायदेमंद होगा, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, अब मैं पहले एक रूल्स इसका लिखता हूँ, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल जो होता है कि जिस पद का मान ज्ञात करना होता है उस पद को हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ लिखते हैं। तो लिखते हैं, ये रूल नंबर, सबसे पहला रूल नंबर ये है कि जिस पद को हमको मान ज्ञात करना है उस पद को हम क्या करेंगे, दाहिने साइड में लिखेंगे। इसका दूसरा रूल क्या आएगा, ये पद को कभी भी हर में नहीं लिखा जाता है। तीसरा रूल, अगर एक का मान ज्यादा आए तो दाहिने पद गुने बाएं पद, ये बाएं पद इसमें लिख दे, अगर बाएं पद एक से ज्यादा हो तो, और अगर एक से बाएं पद एक से कम हो तो ये हो जाएगा दाहिने पद डिवाइडेड बाय बाएं पद। अगर बाएं पद एक से कम हो
ठीक है। और चौथा रूल कहता है अगर एक का मान कम आए तो एक में होगा क्या हो जाएगा दाहिने पद डिवाइडेड बाय बाएं पद अगर बाएं पद लेस देन वन और ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा दाहिने पद मल्टीप्लाई बाएं पद अगर बाएं पद ग्रेटर देन वन। अब जिस पद का मान ज्ञात करना हो उसको दाहिनी ओर लिखते हैं। दाहिने पद को कभी भी हर में नहीं लिखा जाता है। अगर एक का मान मुझे अगर लगता है कि एक का मान कम आने ज्यादा आने आने वाला है तो हम क्या करेंगे तो दो अगर ज्यादा आएगा तो कैसे आएगा दाहिने पद को बाएं पद से गुना कर देंगे। लेकिन कब अगर बाएं पद एक से ज्यादा हो तो और अगर दाहिने अगर बाएं पद का मान एक से कम हो तो दाहिने पद को बाएं पद से डिवाइड कर देंगे। आप फिलहाल ये वाला याद रखें जनरल क्वेश्चन में यही आता है। और चौथा रूल कहता है अगर एक का मान कम आए तो कम आने आए तो क्या करेंगे दाहिने पद से दाएं पद में बाएं पद से डिवाइड कर देंगे। कब अगर बायां पद एक से कम हो और दाहिने पद गुने बायां पद करेंगे अगर बाएं पद जो है एक से ज्यादा हो। अब ऐसे क्लियर नहीं होगा मैं एक प्रॉब्लम इस पे बताता हूँ उसके बाद ये सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा कि क्या ये रूल्स आते हैं। ठीक है ये आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद हम एक प्रॉब्लम इसी पे बनाते हैं। ठीक है तो दोस्तों मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है और इसको मैं आपको जो अभी मैंने रूल बताया है उस रूल पे इसको बनाएंगे। तो क्या 20 आदमी किसी काम को 26 दिन में करते हैं तो पहला क्वेश्चन है काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए और दूसरा है कि 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला रूल्स क्या कहते हैं कि हमेशा क्या होता है जिसका मान निकालना हो उसको दाहिने साइड में रखेंगे। यानी कि अभी क्या है 10 आदमी किसी काम को समाप्त करने कितने आदमी चाहिए यहाँ पे आदमी हमें निकालना है तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे हम आदमी को चाहेंगे कि दाहिने साइड में लिख के यानी कि इसका जो सोल्यूशन लेंगे चूंकि 26 दिनों में काम समाप्त करते हैं 20 आदमी। अब देखिए दोस्तों क्योंकि हमें आदमी चाहिए था तो मैंने अब ये स्टेटमेंट को उल्टा करके रख दिया और यहाँ पे 20 आदमी को मैंने दाहिने साइड में रखा। इसीलिए अब चूंकि एकिक नियम में एक का मान निकालना होता है तो इसीलिए एक दिनों में तो अब एक दिनों में मैंने क्या बताया कि अगर एक दिन में क्या होगा 26 दिनों में 20 आदमी चाहिए तो एक दिनों में काम करने के लिए आदमी की संख्या बढ़ेगा या घटेगा आदमी की संख्या बढ़ेगा क्योंकि 26 दिनों में 20 आदमी चाहिए एक दिन उस काम को खत्म करने के लिए 20 आदमी से तो ज्यादा ही चाहिए ना तो वो 20 आदमी कैसे ज्यादा कैसे होगा तो ज्यादा होगा कि अगर 20 में हम दाहिने पद को बाएं पद से मल्टीप्लाई कर देंगे रूल नंबर 3। अब मल्टीप्लाई इसीलिए करेंगे क्योंकि ये जो 26 है बायां पद मैंने क्या बताया बायां पद चूंकि एक से ज्यादा है और एक का मान इस एक का मान ज्यादा होना है इसीलिए हम क्या करेंगे तो उसको बाएं दाहिने पद को बाएं पद से गुना कर देंगे यानी कि इतने आदमी चाहिए यानी कि ये हो जाएगा इतने आदमी चाहिए। ठीक है इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या है 10 आदमी 10 दिन के लिए आदमी को कम हो जाएगा तो कम करने के लिए क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 26 दिनों तो 10 दिनों में काम समाप्त करते हैं
20 मल्टीप्लाइड बाई 26 डिवाइडेड बाय 10, इतनी आर्मी की जरूरत होगी। अगर हम इसको यानी कि 52 आदमी काम करने के लिए चाहिए, देखिए क्योंकि 10 दिनों में अब कितने आदमी चाहिए, 52 आदमी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। पांच आदमी, अब इसमें पांच आदमी उस काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन चाहिए, अब इसमें दिन आ गया निकालना, तो दिन जब आ गया निकालना तो इसमें हम क्या करेंगे, दिन को रखेंगे हम दाहिने साइड में, तो चूंकि 20 आदमी को काम समाप्त करने में 26 दिन लगते हैं, इसीलिए एक आदमी, क्योंकि एक ही नियम है तो हमेशा हम एक का मान निकालेंगे और एक का मान निकालेंगे उसके बाद हम पांच का मान निकालेंगे, तो एक आदमी के लिए अब क्या होगा, क्योंकि 20 आदमी को 26 दिन लगते हैं तो एक आदमी को डेफिनेटली ज्यादा दिन लगेंगे, तो ज्यादा दिन कैसे आएगा, जब हम दाहिने पद को बाएं पद से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक आदमी को काम समाप्त करने के लिए 26 मल्टीप्लाइड बाय 20 दिन लगेंगे, क्योंकि ये 20 जो है बायां पद एक से ज्यादा है और इस एक का मान हमको लग रहा है कि ये ज्यादा आएगा, तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए पांच आदमी को, तो पांच आदमी मतलब एक से एक आदमी को इतने दिन लगते हैं तो पांच आदमी को कम दिन लगेंगे, तो पांच आदमी को लगेंगे 26 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 104 दिन लगेंगे। अब देखिए क्योंकि 20 आदमी को 26 दिन लग रहे थे तो 5 आदमी को 104 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक नियम का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिक्स के आधारित रहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप एक एक नियम का एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व करूंगा जिसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसको ये अपने रूल्स बेसिक रूल्स से बनाएंगे, ताकि अगर एग्जामिनेशन में अगर हम फॉर्मूला को भूल भी जाए तो भी मैं उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।